जनसंचार संस्थान के 54वें दीक्षांत समारोह में आज जिन छात्र छात्राओं को डिप्लोमा मिला, जो जीवन की नई शुरुआत करने जा रहे हैं, उन सबको सबसे अधिक मेरी पहले बधाई शुभकामनाएं। इस आईएमसी के निदेशक भाई संजय द्विवेदी जी, आईएमसी के चेयरमैन श्री अपूर्व चंद्रा जी, श्री गोविंद सिंह जी, इस आईएमसी के प्रतिष्ठित सभी प्राध्यापक गण, संस्थान में काम करने वाले सभी मित्रों, प्रमोद जी, आनंद प्रधान जी, जिन्हें मैं बरसों से जानता हूं, बच्चों के अभिभावक गण, अतिथिगण, पुनः मैं सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यह संस्थान लोकमानस में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में बना हुआ है। यह संस्थान कितनी चीजों पर किस ढंग से काम करता है, किन किन कोर्सेज में किस रूप से इसका कंट्रीब्यूशन है, वो विस्तार में गए बगैर, क्योंकि आप जानते हैं, बॉटम लाइन यह कि कोविड के दौरान भी 90% छात्रों का प्लेसमेंट हुआ है। यह लैंडमार्क है इस संस्थान का। और 10% वो छात्र जो पुनः जीवन में कुछ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कोई नई लकीर खींचना चाहते हैं, सिर्फ जिन्होंने चुना कि अभी मुझे कोई असाइनमेंट नहीं चाहिए, वही बच गए हैं। इसलिए 100% जहां की प्लेसमेंट हो, उस संस्थान के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो खुद लोकमानस में अपनी एक बहुत मशहूर संस्थान के रूप में दशकों से छवि बना चुका है। यहाँ के डायरेक्टर, निदेशक सब सेलिब्रिटीज रहे। अगर मैं नाम एक एक का लूं, इसे देसाई से लेकर शारदा प्रसाद जी से लेकर, और अब तक जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है पब्लिक रिलेशंस में, कॉरपोरेट कम्युनिकेशन में, अंग्रेजी, हिंदी, उड़िया, उर्दू, मराठी, मलयालम, सब में जो आप प्रशिक्षण का काम कर रहे हैं वो रिमार्केबल है। मैं सेना से लेकर, पुलिस से लेकर के, और बाकी डेवलपिंग कंट्री के लिए भी, डेवलपमेंट जर्नलिज्म पे जो काम आप करते रहे, उन सबके लिए मैं पुनः आपको बधाई देता हूं। पर मैं मुख्य चीज जो कहना चाहता हूं आपसे, यह भी एक प्रमुख चीज है कि संस्थान के परिसर में भारतीय हिंदी पत्रकारिता के जो सबसे पहले व्यक्ति, उनके नाम पर पंडित युगल किशोर शुक्ल जी के नाम पर पुस्तकालय और ज्ञान संसाधन केंद्र हमने देखा, इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं संजय जी को। यहाँ के कुछ प्रकाशन भी देखे, उन प्रकाशनों में जिस ढंग से तैयारी, दृष्टि और विजन दिखाई देती है, उसके लिए भी मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि आपके संस्थान की गतिविधियां काफी छात्रों को एक दिशा देने वाली और एक सृजन के रास्ते पर, जहां वो जाकर अपनी पहचान बना सके और इस संस्था के गौरव का, देश का, अपना नाम भी रोशन कर सके, वो काम आप कर रहे हैं। इसलिए संस्थान को, संस्थान में काम करने वाले सभी लोगों को मेरी बधाई। पर दीक्षांत समारोह है, जब मैं दीक्षांत समारोह की बात सुनता हूं तो मेरे मन में उस दीक्षांत समारोह की स्मृति जगती है, उस संस्था में हुए पहले दीक्षांत समारोह की स्मृति उभरती है जिसकी नींव महात्मा गांधी ने रखी थी, काशी विद्यापीठ। भगवान दास जी वो शायद देश के आरंभिक देश रत्न लोगों में थे, जब देश रत्न सचमुच उसका एक बड़ा गौरव और रेयर लोगों को ढूंढा जाता था, बाद की परंपरा भी वो रही, लेकिन उस वक्त देश रत्न जिन्हें हमने कहा, वो सिर्फ सरकारी उपाधि देने से नहीं, लोकमानस में भी आचार्य भगवान दास उसी रूप में थे। एनी बेसेंट के साथ काम किया, जिन्हें गांधी जी आदर देते थे। काशी विद्यापीठ में 1952 में उन्होंने जो दीक्षांत समारोह में भाषण दिया, उसका मर्म मैं आपको बताता हूं। और बहुत वर्षों बाद काशी विद्यापीठ में हुए दीक्षांत भाषणों का एक संकलन भी निकला, प्रोफेसर कृष्णनाथ अपने जमाने के काफी मशहूर आदमी, उन्होंने संपादन किया था। भाई आनंद जी शायद जानते होंगे, मेरा तो आग्रह होगा कि ऐसी चीजों को आज गूगल पर या कहीं जो सबको उपलब्ध हो कि जीवन का महत्व क्या है, दीक्षांत समारोहों का अवसर क्या है, वो समझने के लिए डालना चाहिए। खान अब्दुल गफार खां से लेकर महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव, सबके भाषण हैं जो दिशा देते हैं जीवन को।
उसमें मर्म मैं आपको बताऊं सारे लोगों के भाषण का है कि भारतीय परंपरा में जो जीवन आप शुरू करने जा रहे हैं उस जीवन में 10 सूत्र आप हमेशा याद रखें। द डेडिकेशन ऑफ ए क्लब, अकेले एक क्लब का जो संकल्प था वो जीवन में हमेशा आपको प्रेरणा देगा। द डिवोशन ऑफ सूरदास, सूरदास के बारे में जब मैं बताऊं आपको तो आप मुझसे ज्यादा जानते हो, क्या समर्पण था आपने जो भी जीवन में उनका जिसे मानते थे उसके प्रति किस किस्म की प्रतिबद्धता थी। द करेज ऑफ अभिमन्यु, इनमें से एक के बारे में बताने की जरूरत नहीं, हमारे लोक मानस में बैठा हुआ है। द इंटीग्रिटी ऑफ राम, द स्ट्रेंथ ऑफ दुर्गा, द फेथ ऑफ प्रहलाद, द फोकस ऑफ अर्जुन, द स्ट्रेंथ ऑफ सीता, द लॉयल्टी ऑफ श्रवण, द पेशेंस ऑफ मंदोदरी। ये 10 गुण अगर आप उन पुराने हमारे दीक्षांत भाषणों को सुने तो आपको मिलेंगे जो जीवन में बहुत आपके काम आएंगे। आप नॉलेज एरा में हैं। हमने जब जिंदगी शुरू की तो माना जाता था कि आप किसी बड़े परिवार में पैदा होते हैं तो आपका जीवन बेहतर है, पर आज शिक्षा कमजोर से कमजोर परिवार में पैदा हुए व्यक्ति की नई नियति लिख रही है। पहले टाटा और बिड़ला बनने के लिए कहा जाता था कि आप उनके परिवारों में जन्म लें तब वो हो सकते हैं। आज शिक्षा ने वो मुमकिन किया इस नॉलेज एरा ने कि एक जीवन में एक शुरुआत करके कोई अजीम प्रेम जी और नारायण मूर्ति हो सकता और अनेक लोग हैं। उस शिक्षा के दौर में आपने अपनी पहचान बनाकर अब नया जीवन आप शुरू करने जा रहे हैं। हमारे आचार्य नरेंद्र देव ने या शायद भगवान दास जी ने अपने उस भाषण में छात्रों को कहा, उस वक्त कहा जब इसे नॉलेज एरा नहीं कहा गया था, कि जो आपको उपाधि मिल रही उसका महत्व क्या है आप समझें। उसमें उन्होंने एक भारतीय कहावत का, संस्कृत के एक लोक कहावत का उल्लेख किया, न चोर हार्य न राज हार्य न भृतृभाज्य न च भारकारी, व्यय कृते वर्धति एवं नित्य विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। यानी जिसे न चोर चुरा सकते हैं, न राजा हरण कर सकता है, न भाई बांट सकता है, न भार स्वरूप ही है जो नित्य खर्च करने पर भी बढ़ता है, ऐसी विद्या ऐसा विद्याधन सभी धनों में प्रधान है, पर सवाल यह है कि इस धन का उपयोग आप आगे आज के बाद कैसे करेंगे। यह जीवन का मर्म है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज कितने अवसर हैं आपके पास। मैंने अपने यहाँ की उन चीज़ों की, उस परंपरा का उल्लेख किया जो आपको ताकत देंगे जीवन में हमेशा। लेकिन आज दुनिया को जो चीज़ें बदल रही हैं, वो बदल रही है टेक्नोलॉजी। पहले की दुनिया विचारों से बदली, लेकिन 1980 के बाद टेक्नोलॉजी दुनिया को बदल रही है। इस दौर में जिन लोगों ने पहचान बनाई उनके कन्वोकेशन स्पीच का मर्म मैं आपको एक एक लाइन में बताता हूँ, सबका एसेंस आपको एक मिलेगा। जेके रॉलिंग, हैरी पॉटर के बारे में हम लोग सब लोग सुने, और मैं उस वक्त संयोग से एक बार ब्रिटेन में था, जो पंक्तियां मैंने खड़ी देखी रात रात भर लोगों की किताब लेने के लिए। उस जेके रॉयलिंग महिला ने जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 2008 में अपना कन्वोकेशन स्पीच दिया, उसका मर्म था यू माइट नेवर फेल ऑन द स्केल आई डिड। यानी जीवन में जो हमने विफलता झेली वो आप कभी उसका सामना नहीं कर सकते। अगर आप पूरा पढ़ें तो आपको मालूम होगा, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी जीवन में आप पढ़िए, आपको इसे ताकत मिलेगी। अब आप जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। यू माइट नेवर फेल ऑन द स्केल आई डिड, बट सम फेल्योर इन लाइफ इज इनविटेबल। इट इज इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट फेलिंग एट समथिंग अनलेस यू लिव सो कॉशियसली दैट यू माइट एज वेल नॉट हैव लिव्ड एट ऑल, इन विच केस यू फेल बाई डिफॉल्ट। तो जीवन में विफलताएं आएंगी, यू हैव टू फेस इट। हर विफलता सफलता के लिए वह एक रास्ता खोलती है। इसी तरह स्टीव जॉब्स, जिस व्यक्ति की टेक्नोलॉजी ने दुनिया को एक नया स्वरूप दे दिया, उस व्यक्ति ने क्या कहा, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं कि एप्पल के कैसे वो फाउंडर को फाउंडर रहे, सीईओ रहे, कहा द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। अपने काम के प्रति अगर मोहब्बत समर्पण पैशन नहीं है तो आप नई लकीर नहीं खींच सकते। इफ यू हैव नॉट फाउंड इट येट, कीप लुकिंग, डू नॉट सेटल, एज विथ ऑल मैटर्स ऑफ द हार्ट You shall know when you find it. Barack Obama, मैं उनका भी कोट आपको बताता, Orphan Winfrey, ये सब आप जरूर पढ़ें। Jeff Bezos, Princeton University में इन्होंने दिया, जो Amazon के founder हैं। इन सारे लोगों के कोट का, Elon Musk तक का कोट, कि आप जीवन में जो कुछ करने जा रहे हैं जब तक उसके प्रति पैसा न हो ना नई लकीर खींच नहीं सकते।
और ये वक्त है जब आप जीवन में नया कदम रख रहे हैं, तो उस पैशन के बारे में आप सोचें कि आप करना क्या चाहते हैं। मैं जब यहाँ आ रहा था तो मेरे मन में ये सवाल उठा कि हमारे छात्रों के लिए क्या चीजें आज अवसर है जो मीडिया से निकलते हैं। मैं बड़ा वाइल्ड थिंकिंग आपके सामने आज रखना चाहता हूं, और मैं इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि जब हमने नौकरी की शुरुआत की, हमारे दौर ने जो देखा उसमें जो मेरा अनुभव रहा मैं शेयर करना चाहता हूं। मैं उस धारा के लोगों में हूं, गांधी को मानने वाला, जो अपने काम के बारे में नहीं बताना चाहते, पर मैं अपनी टीम के माध्यम की हमने क्या चुनौती फेस की और आज अगर हमें करना पड़े तो हम क्या करना चाहेंगे मीडिया में, ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इस देश में 2014 के बाद आपने देखा कि स्टार्टअप्स की संख्या क्या बढ़ी। 2014 के बाद लगभग 300-400 स्टार्टअप्स थे, आज करीब देश में 70,000 स्टार्टअप्स हैं जो मान्यता प्राप्त। ये स्टार्टअप्स कौन चलाते हैं? हमारे यूथ साहब की तरह, जो IIT से IIM से निकलकर बाकी चीजों में वो यूथ भारत की नई नीति लिख रहे हैं, और उनमें से स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न, हर 7-8 दिन में एक यूनिकॉर्न बन रहा है। शायद एक यूनिकॉर्न $1 बिलियन कुछ 7,000 करोड़ या 10,000 करोड़ का होता है। वो छात्र कैसे जॉब सीकर्स जो थे वो जॉब प्रोवाइडर बन रहे हैं 2014 के बाद। आज अगर कोई मुझसे पूछे, कहे कि कोई एक वेबसाइट ऐसा बनाइए जहां इसकी सारी सूचनाएं मिले जो यूथ्स को प्रेरित करे, तो मुझे लगता है कि हमें ढूंढना पड़ेगा कि कोई एक वेबसाइट ऐसा कोई शुरू करे। क्या हमारे यूथ जो निकल रहे हैं आप में से कोई एक नहीं शुरू कर सकता? ये मुझे लगता है कि ये सारी अपॉर्चुनिटीज है जो आपके सामने है। मीडिया में स्टार्टअप क्यों नहीं, ये मेरे मन में सवाल उठता है। मैंने 2 दिनों पहले नीति आयोग के चेयरमैन का बयान सुना, 315 सेंट्रल स्कीम्स और 500 स्टेट स्कीम्स में सिर्फ आधार के प्रयोग से 2,00,000 करोड़ की बचत हो रही है। थिंक अबाउट द वॉल्यूम, 2,00,000 करोड़। जहां कहा गया था पहले ये टेक्नोलॉजी ने क्या मुमकिन किया है कि ऊपर से 1 रुपया चलता है। मैं मानता हूं कि वो ईमानदारी से कहा गया बयान कि 1 रुपया चलता है, 15 पैसे पहुंचता है। आज टेक्नोलॉजी ने मुमकिन किया है कि सब चीजें हो रही हैं, पर मैं कोशिश करता हूं इसके डिटेल कहीं चीजें पढ़ने को मिले, किस किस स्कीम्स में कैसे कैसे लाभ हुआ है। मुझे लगता है कि ढूंढना पड़ेगा आपको कि किस जगह ये सारी सूचनाएं हैं। मैं और कई चीजें जो मेरे मस्तिष्क में आई मैं आपसे कहना चाहता हूं। भारत इस कोरोना के दौरान एक बड़ी चीज हुई है और जिसके बारे में देश में चर्चा में कम सुनता हूं, वो है कभी देश ने ग्रीन रिवॉल्यूशन में अपनी नई नीति लिखा 65-66 के आसपास, व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी दूध की क्रांति आई दुनिया में, दूध में हम सबसे बड़े उत्पादक बने, पर इस कोरोना के दौरान मेडिकल हब के रूप में भारत, दुनिया में भारत ने अपनी जगह बनाई है। आज वो सक्सेस स्टोरीज कहीं एक जगह ढूंढिए तो आपको मिलेगा नहीं। एक भोपाल के IAS अधिकारी ने पुस्तक लिखी, उससे मुझे सूचना मिली। एक इस काम में लगे एक व्यक्ति ने, मिस्टर शर्मा जो आंध्र प्रदेश टेक्निकल जोन के MD, उन्होंने लिखा, उसे सूचना मिली। यानी स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन हैं। क्या ये सारे इंफॉर्मेशन आज के जमाने में एक जगह एक साइट पर नहीं लाकर हम बता सकते? जिस क्षेत्र में कह रहे हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन के बाद भारत ये तीसरा रिवॉल्यूशन, तीसरा हब बन गया मेडिकल चीजों का। आपको मालूम है कि जब कोरोना आया तो बहुत सारी फंडामेंटल चीजें देश में नहीं बनती थी, देश ने उस दौरान बनाना शुरू किया और आज देश दुनिया को कई चीजें दे रहा है, टीका से लेकर के वेंटिलेटर तक। कैसे दुनिया के दूसरे मुल्कों ने उस वक्त बंद कर दिया देना आपके यहां, वो सक्सेस स्टोरी आप शायद, मुझे नहीं लगता कहीं आप देखें तो बहुत विस्तार से देखने को मिलता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि नौजवान दोस्तों, जब कैरियर के एक पड़ाव पर मैंने 2 बड़े अखबारों में 2 बड़े संस्थानों में उस वक्त के थे काम किया, टाइम्स ऑफ इंडिया समूह मुंबई और दूसरा आनंद बाजार, दोनों के बाद लगा कि जयप्रकाश आंदोलन के प्रभाव में हम सब लोग आए थे एक ऐसे अखबार में, हमारी टीम ने, हमने मिलकर काम करना तय किया जो लगभग बंद था, मुश्किल से 300 या 400 कॉपी। मैं इसलिए आज आपको बता रहा हूं, पहली बार मैं कहता हूं, मैं अपने बारे में बताना, काम करना, मैं सही गांधीवादी विचार के हम लोग नहीं करना चाहते, पर हमने वो रास्ता चुना जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा है ना अपनी कविता में कि वो रास्ता जो लेस ट्रेवल्ड है, उसके तहत एक प्रयोग जो किया, मैं आपको बताऊं कि
एक नंद कुमार जी केरल के आईएएस अधिकारी होते थे, एक बार बातचीत में उनसे लगा कि सरकार तो लाखों करोड़ विज्ञापन के लिए पैसा देती ही है भाई, पूरे देश में खर्च करती है, पर जो विज्ञापन छपते हैं उसकी भाषाएं ऐसी होती हैं, उसकी भाषा, उसकी बनावट, उसकी राइटिंग, वो सरकारी हिंदी आप पढ़े वो समझ नहीं पाएंगे। आप उसी तरह से आज अन्य भाषाओं में हो, क्यों नहीं जितनी सारी सरकारी स्कीम्स हैं उनको सरल सहज शब्दों में लोगों तक कन्वे करें कि आपके जीवन को बदलने की इतनी स्कीम्स हैं। हमने वो प्रयोग किया, वो बाद में भारत सरकार में एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हुए थे, रिटायर हो गए, अब तो संपर्क में मेरे नहीं है, नंद कुमार जी, टी नंद कुमार। रिमार्केबल असर उस अखबार पर पड़ा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिसकी पाठक संख्या नहीं थी, आज भारत सरकार की इतनी स्कीम्स हैं, इतनी चीजें हैं, कोई एक नौजवान खड़ा हो कहा कि सहज और सरल शब्दों में हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि ये स्कीम्स हैं, ऐसे लाभ मिलेगा, आप देखिए, मैं यकीन करता हूं, हो सकता है मेरी ये वाइल्ड थिंकिंग हो, कि यू कैन ड्रॉ ए डिफरेंट लाइन, यू कैन लीव योर इम्प्रिंट। इसलिए भी मैं कह रहा हूं कि आज अनेक डिफेंस में हमारे सेक्रेटरी साहब डिफेंस में रहे हैं, मैं डिफेंस की कमेटी में था 4 वर्ष तक, डिफेंस में जिस बड़े पैमाने पर इंडियनाइजेशन हुआ है, भारत में चीजों का उत्पादन हो रहा है, कहां देश को सूचना बता रहे हैं, स्कैटर्ड सूचनाएं पढ़ते हैं हम सारी जगहों पर, एक जगह लाकर अगर हम बताएं देश को, उसको उपयोग करने वाले भी दूसरे लोग कैसे होंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा। इसी तरह से अभी मैं पढ़ा आपको 4-6 दिनों पहले, 1,00,000 करोड़ की करप्शन में संपत्ति जब्त की गई है भारत सरकार ने, 14 के बाद 1,00,000 करोड़। मेरे जिहन में आता है, आप जानते हैं करप्शन के बारे में बताने की जरूरत नहीं, देश कैसे पहले से चिंतित रहा है, हमारे पहले प्रधानमंत्री ने यह कल्पना की कि करप्शन पब्लिक मनी के साथ उसका दुरुपयोग करने वाले लोग चौराहे पर लटकाए जाएंगे, पर 14 के बाद कैसे कार्रवाई तेजी से शुरू हुई है, जो बेनामी संपत्ति कानून बना था उसके रूल्स नहीं बने थे वो हाल में बना, ये 1,00,000 करोड़ किन लोगों के हैं, इनके मुकदमे किस स्तर पर हैं, कैसे पकड़े गए, किन चीजों का ये फंड है, कहीं एक साइट पर कोई, हम जुडिशियरी नहीं है, हम कोई कमेंट नहीं कर सकते कि कोई भ्रष्ट है या गलत है, वो हमारा काम नहीं है, पर हम फैक्ट्स तो रख सकते हैं बेस्ड ऑन फैक्चुअल थिंग्स। आज मैं ढूंढता हूं, आप कहते हैं कि मीडिया में क्यों नहीं ये स्टार्टअप हो सकते हैं नए नए, हम कहते हैं एक तरफ कि अवसर सिमट रहे, अवसर तलाशना इंसान के विजन का, इंसान के कमिटमेंट का, इंसान के सोचने और समर्पण का मामला है, और आप नौजवान अगर ये नहीं करेंगे तो कौन कर सकता है। गांव और पंचायतों में हम लोगों ने जब पत्रकारिता शुरू की तो ये गांव और पंचायत वगैरह में जिले में डेवलपमेंट के लिए बैठे हैं सेक्रेटरी साहब, अपूर्व जी बताएंगे, मुश्किल से 10-20 करोड़ कहीं कहीं पहुंचता था, आज साहब कई कई 100, 4,000, 400, 500, 800 करोड़ तक पैसे पहुंच रहे हैं। उन पैसों का खर्च कैसे, किस रूप में हो रहा है, इसका डाटा कोई एक जगह इकट्ठा करे, आप सी द रिजल्ट। देश में शायद 111 या 108 जिले हैं एस्पिरेशनल जिले, जो बिल्कुल नक्सल प्रभावित जिले थे, उन जिलों पे घूम के हम सब ने देखा है क्या हालात थे, आज कैसे वो बदल रहे हैं, पर डाटा खोजने आप जाएं कि किसी जर्नलिस्ट ने इस पर अच्छी तरह काम किया है क्या, मुझे नहीं लगता कि शायद हमारे डायरेक्टर साहब बताएंगे कि इस तरह की चीजों का प्रयोग हो रहा है कि नहीं पत्रकारिता। मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि आज दुनिया में सबसे बड़ी जो चीज होने वाली वो डाटा है, डाटा माइनिंग की आप बात सुनते हैं, डाटा माइनिंग ये फ्यूचर तय करने वाली है, तो डाटा पर हम जितना काम कर सकें हमें करना चाहिए। हम आमतौर से जब पत्रकारिता की चर्चा सुनते हैं तो पुराने जो अखबार निकले, एक बार मैं सूची लंबी निकाली थी, कम से कम 30-35 ऐसे 34 नहीं बल्कि ज़्यादा कहूँ 51 ऐसे पत्रिकाओं की जो पूरे देश में रीजनल क्षेत्रों में इंडिविजुअल्स ने शुरू किए, उन इंडिविजुअल्स ने जिस साहस की पत्रकारिता आजादी की लड़ाई के दौरान की, उससे पत्रकारिता को मिशन माना गया, मेनस्ट्रीम की पत्रकारिता ने उस वक्त नहीं किया। आज उस मिशन की पत्रकारिता के लिए इतना अवसर है, इतने सब्जेक्ट्स में आपको बता रहा हूं, आप कोई साइट शुरू करें, कोई तो साहस करे कि क्या हो रहा है, कैसे नई नीति लिखी जा रही है। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि आपके सामने आज मीडिया में आप जा रहे हैं तो बड़ी चुनौतियां, और वो चुनौतियां कैसी है, सबसे पहली चुनौती है साख की चुनौती, कि
विश्वसनीयता मीडिया की कैसे खत्म हो रही है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। इस पर वेस्ट से लेकर के और यहाँ तक काफ़ी लोग इस पर काम कर रहे हैं, तो उस साह को बचाए रखने की जरूरत है कि कैसे हम उस साह को बचाएं। उसके लिए भी जीवन में कुछ चीज़ें हमें देखनी चाहिए। मीडिया के इस तरह की चीज़ों से असर क्या पड़ रहा है। अभी एक पुस्तक आई जिसका पहला बड़ा राइटअप छपा द गार्डियन में, मोस्ट सेलिब्रेटेड न्यूज़पेपर जो गंभीर अखबार माना जाता है, उसमें उस रियलाइज हुआ बाद में पुस्तक का रूप है, स्टॉप रीडिंग द न्यूज। किताब का टैगलाइन था मैनिफेस्टो फॉर हैप्पियर कामर एंड वाइजर लाइफ। तो आप पत्रकारिता में जा रहे हैं तो ये चुनौती फेस करने जा रहे हैं कि अब लोग कह रहे हैं कि पढ़ना बंद करो अगर जीवन में आप शांतिपूर्ण रहना और चाहते हो। सोशल मीडिया का अलग प्रॉब्लम है, सोशल मीडिया के क्या इंपैक्ट हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या है, मौके क्या है, उससे अवसर क्या आ रहे हैं, उसकी चुनौतियां क्या है, कभी इस पर भी डिबेट करना चाहिए और लंबे समय तक हमें इस पर विमर्श करके जानना चाहिए कि इसमें हमारे लिए अवसर क्या है। मैं ये बताना चाहता हूं कि इसमें बहुत सारे अवसर हैं। ये पत्रकारिता में जैसे मैंने कहा कि चुनौती साह की आ रही है और अनेक सर्वे ऐसे हैं जो कहते हैं कि साह की चुनौती कैसी है। मैंने बताया कि लोगों का इस पर विमर्श कैसा आ रहा है कि खबरों को पढ़ना बंद करना चाहिए। अभी जिल बेकरमैन की किताब में आपको जरूर सजेस्ट करूंगा आप यंगस्टर्स को कि पत्रकारिता को गंभीरता से आप लेना चाहते हैं तो जरूर पढ़िए। ये 2-3 महीने पहले आई है, अटलांटिक के बुक एडिटर हैं। पुस्तक का नाम है जो बैठे बैठे अभी मैं भाई गोविंद जी से देख रहा था, मुझे वो नाम स्मृति में नहीं थी, लेखक का नाम याद था, द क्वाइट बिफोर ऑन द अनएक्सपेक्टेड ओरिजिन ऑफ रेडिकल आइडियाज। इसमें आप पढ़ेंगे कि जिन रेडिकल आइडियाज ने दुनिया को बदला उसका इवॉल्वमेंट कैसे बहुत बहुत पीसफुली, बहुत एक काम एटमॉस्फेयर में, बहुत मेंटली, बहुत इस तरह की चुनौतियों में रहकर नहीं हुआ। जिन लोगों ने किया उसके उसमें दृष्टांत थे, जिन मूवमेंट्स ने नियति को, मनुष्य को एक नए मुकाम पर पहुंचाया उसमें उसका उल्लेख है। यह भी उल्लेख है कि ये सोशल मीडिया से जो आप आंदोलन खड़ा करते हैं, चाहे वो अरब स्प्रिंग रहा हो या ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट रहा हो, उसके असर नहीं पड़ते। तो अगर जीवन में कुछ नई लकीर खींचना चाहते हैं तो आप ये सोशल मीडिया या जो आज की पत्रकारिता की चुनौतियां आ रही हैं इससे आपको निकलना पड़ेगा। मैं आज के जो महत्वपूर्ण विषय हैं जो आपके सामने, उसमें पर्यावरण का है, जलवायु संकट है। आपने कल ही, मतलब कुछ ही दिनों पहले, कल अर्थ दिवस हम लोगों ने मनाया, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। हमारे समय के सबसे बड़े साइंटिस्टों में स्टीफन हॉकिंग हुए, जिनकी तस्वीर आपने देखी थी, जो बोल नहीं पा रहे थे, जो कुर्सी पे बैठे रहते थे, वो भी कुछ वर्ष पहले, शायद 2018 में मरे। उनकी पुस्तक हर आदमी को पढ़ना चाहिए जो अपने लिए विषय तलाशना चाहता है पत्रकारिता में कि हम आगे क्या करें, और पूरी ह्यूमैनिटी और अर्थ के बारे में कंसर्न है, क्योंकि वही आपके विषय होंगे आगे। द लास्ट ब्रीफ आंसर्स टू बिग क्वेश्चंस, ये मैं मेमोरी के आधार पर सब आपको बता रहा हूँ। उसमें वो व्यक्ति कहते हैं पर्यावरण का सवाल, वो व्यक्ति जो खुद साइंटिस्ट है, कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी, इसके अच्छी चीजों को हम इस्तेमाल करें पर इससे जो चुनौतियां हैं उस पर अगर हमने नजर नहीं रखी तो बहुत कठिन होगा हम सबके लिए। उसके दुरुपयोग को अगर हम रोक नहीं पाए तो जरूर ब्रीफ आंसर्स टू बिग क्वेश्चंस आप पढ़ें। मैं अंत में, उसने कहा बिना परिश्रम के उसे अगर पैसा मिले तो उसको स्वीकार न करे। उसने कहा उसे ये भी सिखाई को जिंदगी में हारना सीखे, जिंदगी सिर्फ जीत नहीं होती। उन्होंने यह भी कहा कि उसे बताइए कि नदी, पेड़, पहाड़, ये पर्वत क्या है, प्रकृति क्या है, सृष्टि क्या है, वो इसके बारे में भी जानना सीखे। कहा कि वो पराजय का आनंद भी जीवन में लेना समझे, जब पराजित हो वो भी जाने और जो सफल हो उसका भी आनंद लेना चाहे। उसे कहा कि इस मेरे बच्चे को ये समझाएं कि ईर्ष्या जीवन में ताकत नहीं देती, ईर्ष्या से बचे, ये मनुष्य का स्वभाव हो सकता है लेकिन ये वो स्वभाव है जो उसे गलत रास्ते पर ले जाएगा। उसने कहा अकेले में हंसने का भी राज उसे बताइए और अकेले में रोने का भी मर्म बताइए, आंसू निकले तो कोई शर्म ना हो ये भी उसे बताइए। कहा उसे बताइए कि पुस्तकों का आनंद क्या है, उसे बताइए कि अकेले क्षणों में जब आसमान में चिड़िया अकेले उड़ती हो तो बैठकर वो देखना भी समझे, स्काई इज लिमिट। उसने कहा धूप,
फूल, हरी पहाड़ियों को, मधुमक्खियों को, भौरों को, उसके उड़ने का, उनको देखने का भी वो आनंद ले, हमारे बच्चे को इस तरह बताइए। फिर कहा उन्होंने, लिंकन ने कामना की, हमारे बच्चे को बताइए कि स्कूल में फेल होना ज्यादा सम्मानजनक है बजाय चोरी करके पास करना, ये हमेशा बताइए। फिर कहा कि वो अपने विचारों और आदर्शों में गहरी आस्था रखे। उन्होंने यह भी कहा कि जो बहुत जीवन में गलत ढंग से बर्ताव करने वाले लोग हों उनसे बहुत सख्ती से पेशा, यह भी समझाइए। लेकिन कहा कि मेरे बेटे में वो भी ताकत दीजिए, वो भीड़ के पीछे ना चले, जब पूरी भीड़ एक तरफ हो, अकेले हो, उसकी आत्मा कहे कि मैं सही हूं, तो पूरी भीड़ के सामने वो अकेले खड़ा रह सके, ये ताकत उसको दीजिए। और अंत में कहा कि उसे ये भी समझाइए कि नौकरी के बाजार में जब वो आ जाए, नौकरी के बाजार में जो सबसे बड़ा बीडर हो उसको अपना मस्तिष्क दे।